श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अनुपम जग्गा, जो कि प्रधानाचार्य हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर हरिद्वार। डॉक्टर जग्गा, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर जग्गा, हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि ये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? इस समय ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से एक परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है और ये परिवर्तन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हम फेस कर रहे हैं और जो भी इस समय सिचुएशंस हम पिछले 6 महीने से फेस कर रहे हैं, यह परिवर्तन बहुत तेज हो गया है। और यह भी सत्य है कि अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित जैसे क्षेत्रों में कुशल वैज्ञानिकों की मांग और जरूरत बढ़ रही है, उसी समय पर्यावरण में बढ़ती हुई समस्याओं और लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट और या मैं कह सकता हूँ कि जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, उसी तरह से कृषि, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में नए रिसर्चर, नए आइडियाज, नए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट सेंटर हो जाए और ज्यादा स्टूडेंट सेंटर बनाया जाए जो कि क्यूरोसिटी, रिसर्च, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन पर आधारित हो और साथ में इंटरेस्टिंग भी हो। शिक्षा से स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम या चरित्र का भरपूर निर्माण हो और विद्यालयों में 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स विकसित की जाए विद्यार्थियों में। नई शिक्षा नीति में इन सभी पहलुओं का भलीभांति ध्यान रखा गया है और पूरा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सभी इस नई शिक्षा नीति के बारे में खुशी का अनुभव कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जितने भी लोगों से हमने बात की है और सोशल मीडिया में या जो संचार माध्यमों से ये बात सामने आ रही है कि जो शिक्षाविद हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों ने इसका स्वागत किया है और वो कह रहे हैं कि ये नीति देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसमें 2030 तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसा भी कहा गया है कि 2 करोड़ बच्चे जो कि ड्रॉपआउट्स हैं, जो विभिन्न कारणों से शिक्षा को छोड़ देते हैं, उनको मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा और जो 12 साल की स्कूली शिक्षा है उसमें 3 साल की आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग के साथ एक नया स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। डॉक्टर जग्गा, हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 5+3+3+4 ये वास्तव में कैसे होगा? नई शिक्षा नीति में जैसे हम सब जानते हैं कि 10+2 वाली जो हमारी स्कूल व्यवस्था थी, जो पिछले कई दशकों से चल रही थी, उसको 5+3+3+4 की व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है। इसमें सबसे पहले जो 5 वर्षीय स्टेज आती है, इसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, में बच्चों को खेल खेल में उनके मानसिक और शारीरिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रिपरेटरी क्लास का प्रावधान रखा गया है जहाँ वो तैयार होंगे अपने पहले 2 वर्षों से कक्षा 1 और 2 में जाने के लिए। कक्षा 1 और 2 जहाँ पर बच्चे 6 से 8 ईयर्स के एज ग्रुप में होंगे, उनको सामान्य राइटिंग को पढ़ने, समझने और नंबर्स, अंकों के साथ बुनियादी जोड़ एवं घटाव करने की क्षमता का विकास किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के लिए शिक्षकों के भी व्यवस्थित प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद दूसरा स्तर कक्षा 3 से 5 आता है जिसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे और वहां पर भी इसी तरह से कंटिन्यूस क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम या एक सतत रचनात्मक शिक्षण प्रणाली अपनाई जाएगी जिसमें इस आयु वर्ग के बच्चों में नॉलेज और राइटिंग के साथ साथ कम से कम 35
शब्द प्रति मिनट पढ़ने की क्षमता का विकास हो सके, और उसके साथ साथ फाउंडेशनल न्यूमरेसी काउंटिंग एवं बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, गणना और अंकों के साथ मूल रूप से गणित संबंधित कार्यों सहित बुनियादी संख्या का उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। इस आयु वर्ग में क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम इंटरेक्शन या बच्चों को पढ़ाते हुए क्रिटिकल थिंकिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि इस आयु वर्ग में, जिसको हम फाउंडेशन कोर्स में क्लास 3-5 में सामान्यतः पढ़ने लिखने बोलने गिनने अंकगणित और गणितीय चिंतन पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा, और एक अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ उनका सीखना भी प्रॉपरली ट्रैक किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के स्थान पर वैचारिक समझ पर बल दिया जाएगा, और हर स्टूडेंट के लिए स्कूली शिक्षा को एक सुखद अनुभव या जॉयफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। जी डॉक्टर अनुपम जग्गा, आपने कहा कि बच्चों का जो आकलन है, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव होगा, तो ये मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, किन स्तरों पर होगा, थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। जैसे मैंने कहा कि अभी जो प्रोसेस चलता है उसमें बच्चों का रिटन एग्जाम देते हैं और उसी एग्जाम के बेस पर हम उनका मूल्यांकन करते हैं, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस तरह का प्रोविजन किया गया है कि हम एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड हम पेरेंट को प्रोवाइड कर सकें। इसमें हर स्टूडेंट के कॉग्निटिव, जिसको कहेंगे कि माइंड लेवल, और अफेक्टिव, जिसको हम भावनात्मक, और इसी तरह से साइकोमोटर, जिसको हम शारीरिक डोमेन में है, उनके विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण उनके, और साथ में विद्यार्थी की विशेष जो उनके अंदर टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, उन सबको साथ में डिटेल कर दिया जाएगा, तो जिससे कि हर विद्यार्थी का एक कंप्लीट पर्सनैलिटी और साथ में उनकी कैपेबिलिटी और उनके टैलेंट सभी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट किया जाएगा। डॉक्टर अनुपम जग्गा, हम सभी जानते हैं कि विषयों का चयन एक बड़ी समस्या रहती है, और एक बार एक विषय लेने के बाद उसको पढ़ना ही पड़ता है, तो खास तौर पर यदि हम इस शिक्षा नीति की बात करें तो क्या इसमें कुछ विशेष मार्गदर्शन किया गया है कि एक विद्यार्थी जो अपनी अभिरुचि के सब्जेक्ट पढ़ रहा है और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ रहा है, लेकिन कोई अन्य सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहता है उसको भी साथ में पढ़ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर में दूसरे दो जो हमारे स्टेज रह गए हैं मैं उनका रेफरेंस देना चाहूंगा। जो तीसरा हमारा स्टेज है दैट इज मिडिल लेवल, उसमें क्लास 6-8 के जो स्टूडेंट होंगे और 11-14 वर्ष की आयु वर्ग में होंगे, उनके सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि सीखना की प्रक्रिया की ये डायरेक्ट करेगी कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल किस तरफ जाता है, उसकी जो बैकग्राउंड है, जो वो सेकेंडरी लेवल में पढ़ने वाले हैं उसकी बैकग्राउंड 6-8 से ही बननी शुरू हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट लेवल वहीं से ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि किस तरफ उनको जाना चाहिए। तो क्लास 6-8 में कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कोर एसेंशियल्स। तो यहाँ जो करिकुलम है, जो कोर्स है, वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो जरूरी चीजें हैं, केवल जो बहुत आवश्यक चीजें हैं, केवल उन्हीं को रखा जाए, जिससे कि बच्चे के ऊपर कोर्स का कंटेंट का बहुत ज्यादा भार ना आ जाए, उनकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए जो दूसरा पॉइंट रखा गया है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में जो कि एक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, वह बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन में या पूर्ण रूप से उनके डेवलपमेंट में बहुत सहायक होगा। इसी तरह से तीसरी बात का ध्यान रखा गया है, वह है इंटरेक्टिव क्लासेस। कोशिश की जाएगी कि टेक्स्ट बुक लर्निंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको मिनिमम किया जाए, और क्वेश्चनिंग, बच्चों से क्वेश्चनिंग और बच्चों की क्वेश्चनिंग को प्रमोट किया जाए। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो कि लाया गया है वह है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अगर हम मोटे तौर पर कहें तो यह क्रिएटिव कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज को क्लासरूम में कराकर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग और उनको अनुभवों से सिखाने की प्रक्रिया को हम कहेंगे, और इसमें जो चार पार्ट्स होते हैं,
सबसे पहला कंक्रीट एक्सपीरियंस जो आप जानते हैं वहां से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब आप अपनी क्लास को, बच्चा या टीचर अपनी क्लास को लेंगे या उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करनी होगी, सोचना होगा कि क्या सही रहा और क्या नहीं रहा, कहाँ पर वो अच्छे से सीख पाए और कहाँ कमी रह गई। जैसे आप किसी साइकिल को चलाना सीखते हैं, तो साइकिल को चलाना जब आप सीखते हैं तो आप एक ही दिन में नहीं सीख जाते हैं, धीरे धीरे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और लगातार सोचते रहते हैं। इसी में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कुछ इसी तरह से काम करती है कि टीचर को भी और बच्चे को भी लगातार सोचना होगा कि क्या कमी रह गई है और कहाँ इम्प्रूवमेंट उनको करना है। और इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ये एक तीसरा पार्ट होता है जहाँ पे उनको अब एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना है कि आगे उनको क्या करना चाहिए अपने आप को, जो उनकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ वो अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में ले आते हैं। जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया है 6 to 8 में, पहले मैं 6 to 8 में ही कंसंट्रेट करता हूँ क्योंकि ये बेसिक है। उसमें इंटीग्रेटिंग पेडागॉजी के ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसमें कि आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग और ICT इंटीग्रेटेड पेडागॉजी और साथ में वैल्यू एजुकेशन, इस सबको रेगुलर टीचिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको आर्ट्स और स्पोर्ट्स और साथ में स्टोरी टेलिंग और वैल्यूज को अपनी रेगुलर टीचिंग में इंटीग्रेट करना है। इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, यह आपकी रेगुलर टीचिंग का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स में कोई डायग्राम बना रहे हैं तो अगर आप उनको डिफरेंट कलर्स से बनाएंगे तो इट इज आर्ट इंटीग्रेशन। इसी तरह से बैकलेस डेज, ये बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें जो सबसे हम देख रहे हैं कि इट कैन बी अ रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, इसमें कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक दिन बैगलेस स्कूल जाएंगे और या वो अपने आसपास विजिट करेंगे और जो भी वहाँ के स्थानीय डिफरेंट व्यवसाय के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार, उनके साथ एक लर्नर की तरह से काम करेंगे। और छुट्टियों में भी विभिन्न व्यवसायिक कोर्स उपलब्ध किए जाएंगे और वर्ष भर ऐसे जो उनके बैगलेस दिनों को तरह तरह की कला, क्विज, खेल और व्यवसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो भी स्कूलों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं, स्मारक हैं, उनको दौरा करना, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलना, अपने गांव, तहसील, जिला, राज्य में हायर एजुकेशन सेंटर का दौरा करना, तो इस तरह से उनको पूरी तरह से एक्सपोजर दिया जाएगा। डॉक्टर अनुपम जग्गा, बहुत ही विस्तार से आपने नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।